वेलकम टू एडुविला पॉइंट। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर वन का पार्ट फोर करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चैप्टर वन में हमने इससे पहले इसके स्कोप किए थे, क्षेत्र किए थे। आज जो हम इसका सिग्निफिकेंस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, किस लिए यूजफुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि पूरे इकोनॉमी लेवल पे, यानी कि अपने एक देश के लेवल पे होती है, तो उसी लेवल पे जो भी समस्याएं होंगी, सॉल्यूशन होंगे और जो प्लान बनाए जाएंगे वो सबका सब इसमें आएगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या महत्व है, किस किस पॉइंट में महत्व है इसका। सबसे पहला, डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने के लिए, पूरे लेवल पर डिस्क्राइब करने के लिए ये जरूरी है कि आप उस इकोनॉमी को जानिए कि उस इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, यानी इकोनॉमी की सबसे जो बैकबोन होती है वो नेशनल इनकम होती है। कैसे कैसे इकोनॉमी को पता लगाना है कि किस किस नेशनल इनकम जो है कौन कौन से सेक्टर से, कौन कौन से क्षेत्र से आती है और किस किस टाइप से इनकम को निकाला जाता है। मेनली थ्री टाइप्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो नेशनल इनकम जानने के लिए इसका यूज है मैक्रो इकोनॉमी। नेशनल इनकम क्या है, कैसे आएगी और किन किन क्षेत्रों से आएगी, इसको कैसे कैसे मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा है नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी किस टाइप की है, क्या वो डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी है, अनडेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी है या डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनके प्लान हर इकोनॉमी के बनते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाती हैं, डेवलपिंग अपने अकॉर्डिंग, और अनडेवलप्ड जो हैं या पुअर कंट्रीज हैं वो अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले नेचर पता होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी वहां हो रही उस इकोनॉमी के अंदर, कंट्री के अंदर, और उसका लेवल क्या है एक्टिविटीज का, किस लेवल पे एक्टिविटीज हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। किसी भी इकोनॉमी में कितने लेवल पे, कितने परसेंटेज की अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने लोग बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, ठीक है, कितने लोग हैं, कितनी ज्यादा है, और उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट में भी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। रूरल एरियाज में, गांव के एरियाज में कितनी बेरोजगारी है और शहरी एरियाज में है, और किन किन कारणों से अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको जानना मैक्रो इकोनॉमिक्स में जानना जरूरी है, और उनके समाधान कैसे कैसे किए जा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए किस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो मेनली ये तीन पॉइंट आते हैं आपके डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करने में क्या क्या चीजें होती हैं मेन जरूरी है। तो पहला सिग्निफिकेंस मैक्रो इकोनॉमी का यही है कि डिस्क्राइब करती है, मैक्रो इकोनॉमी किसी भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब करती है रिगार्डिंग नेशनल इनकम, रिगार्डिंग वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रिगार्डिंग वहां पे एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वहां पे कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, वहां पे एजुकेशन का सिस्टम क्या है, ये डिस्क्राइब करती है मैक्रो इकोनॉमी ओवरऑल। नेक्स्ट पॉइंट इज रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब किसी भी इकोनॉमी को डिस्क्राइब कर लिया जाता है, हमें पता चल जाता है इकोनॉमी किस टाइप की है, डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अनडेवलप्ड है, किस टाइप की इकोनॉमी है, रिच इकोनॉमी है, पुअर इकोनॉमी है, तो उसका रोड मैप तैयार करने के लिए इसका सिग्निफिकेंस है। रोड मैप मतलब कि एक ढांचा, एक एक आप एक पॉलिसी बनाएंगे उसके रिगार्डिंग में या स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसके रिगार्डिंग में कि किस प्रकार से डिफरेंट इकोनॉमीज में ग्रोथ की जाए और डेवलपमेंट की जाए। इसके लिए गवर्नमेंट वहां की जो भी इकोनॉमी है वेरियस पॉलिसीज बनाती है रिगार्डिंग वेरियस एक्टिविटीज, जिस टाइप की एक्टिविटीज होगी, जैसे ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ाना है तो कैसे एक्टिविटी होनी चाहिए, एजुकेशन में एजुकेशन बढ़ाना है तो उसके लिए पॉलिसीज कौन कौन सी होनी चाहिए, हेल्थ में हेल्थ स्ट्रक्चर को अगर आगे बढ़ाना है, आपका डिफेंस आगे बढ़ाना, तो ये सारी पॉलिसी जो है रोड मैप तैयार किया जाता है। नेशनल इनकम को, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो कौन कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज पहले तो उसका इकोनॉमी का डिस्क्राइब होता है, इकोनॉमी किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग उसका रोड मैप तैयार किया जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, विकास वृद्धि। और फाइव ईयर प्लान, सेकंड पॉइंट
अंटे 5 ईयर प्लान्स बनाए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कि कौन 5 सालों में हमें कितना डेवलप करना है, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। जैसे इंडिया, आपको एग्जांपल देती हूँ मैं कि इंडिपेंडेंस के बाद से हर 5 साल में इंडिया ने 5 ईयर प्लान अपने बनाए हैं। तो पहले 5 साल में क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी अचीवमेंट लेनी है, कौन कौन सी उपलब्धि प्राप्त करनी है, उसको नेक्स्ट 5 ईयर में फिर नेक्स्ट आएंगे। इस तरह से 5 ईयर प्लान जो है ये रोड मैप है, इसे बोलते हैं पूरा मोटे लेवल पे रोड मैप। तो इस चीज के लिए भी मैक्रो इकोनॉमी का सिग्निफिकेंस है। थर्ड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैक्रो इकोनॉमी के द्वारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोनॉमी कितने लेवल पे स्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो उसको किस प्रकार से स्टेबिलिटी में लाया जाए, कौन कौन सी पॉलिसी स्ट्रेटेजी या टेक्निक्स अपनाई जाए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता आ जाए किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में। तो इसके लिए मेनली 3 बातें हैं। कॉमर्शियल जो बैंक्स होते हैं वो मेन रोल अदा करते हैं स्टेबिलिटी लाने में। अब ये कैसे रोल अदा करते हैं आपको बताते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन की कंडीशन है, महंगाई है, तो महंगाई है तो ये लोग क्या करेंगे, महंगाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए पॉलिसीज लेकर आएंगे, टैक्स रेट में जो छूट देंगे, या लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में लोगों तक कैसे पैसा पहुंचाया जाए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज आए जिससे लोगों के पास ज्यादा ज्यादा पैसा आए और फिर उनको वो स्पेंड कर पाए ताकि इन्फ्लेशन कम आए। इसके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए दूसरा रोल होता है आरबीआई का, जो बहुत मेन रोल है। ये बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आते हैं, जैसे टैक्स रेट है या जो भी है, इस तरह की चीजें आएंगी जो आरबीआई मेन है कंट्रोल पूरी इकोनॉमी के ऊपर। मनी से रिलेटेड कंट्रोल आरबीआई का होता है और हर कंट्री की एक ना एक सेंट्रल बैंक होती है। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नमेंट बजट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है। बजट मतलब कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको कितना एक्सपेंडिचर करना है, प्लस में उसमें बचाना भी है। बचाना इसलिए कि आपातकाल में या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उस पैसे को किस प्रकार से खर्च किया जाएगा या फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप देखेंगे सिग्निफिकेंस में डिस्क्रिप्शन, पहले इकोनॉमी को डिस्क्राइब किया जाता है किस टाइप की इकोनॉमी है, फिर उसका रोड मैप तैयार करते हैं, फिर इकोनॉमी में अगर उथल फुथल है, उतार चढ़ाव है, तो उसको स्टेबल लाने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाई जाएंगी। फर्दर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक चिट्ठा पूरा एक बनाती है गवर्नमेंट की, वह ढांचा तैयार करती है कि कितना आया कितना गया, यानी कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ, गवर्नमेंट के पास कितने सोर्सेज से मनी आई और कितने सोर्सेज से एक्सपेंड हुआ। ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें मेनली आता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। कोई भी इकोनॉमी किसी भी कंट्री से कितना एक्सपोर्ट होता है और कितना इम्पोर्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा है तो समझ लीजिए कंट्री की हालत अच्छी है, और अगर एक्सपोर्ट कम है इम्पोर्ट से तो कंट्री डेफिसिट यानी घाटे में चल रही है। पॉलिसीज बनाई जाती हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेटेजी टेक्निक्स अपनाए जाते हैं इसको बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कंट्री के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, प्लस स्किल पावर बढ़ाने के लिए, मैन पावर बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज बनाई जाती हैं। इस रिगार्डिंग में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज ए होल क्या क्या पॉलिसीज पूरे कंट्री लेवल पे होनी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है पॉवर्टी। पॉवर्टी सिंगल पर्सन की तो होती नहीं है, पूरे कंट्री लेवल पे है। तो मैक्रो इकोनॉमी को हम पढ़ते भी कंट्री लेवल पे हैं। पॉवर्टी या एनवायरमेंटल पोल्यूशन या इस तरह के जनरल जो भी पूरे देश के लेवल पे कंट्री लेवल पे जो समस्याएं हैं उसका सॉल्यूशन कहां से होगा। मैक्रो इकोनॉमिक यानी गवर्नमेंट करेगी तो इसके लिए प्लान बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज बनाने पड़ेंगे। तो इसमें क्या आता है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले अगर पॉवर्टी है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में गरीबी है, तो कैसे क्या कारण है उनके, किस टाइप की गरीबी है, कौन से टाइप की पॉवर्टी है, उनके क्या क्या कारण है, कॉजेज हैं। ठीक वैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, किस टाइप के एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, उनके क्या क्या कॉजेज हैं, उन कॉजेज को पकड़कर उनके सॉल्व करने के तरीके
ये पॉलिसीज में लाए जाते हैं, प्लान्स बनाए जाते हैं, मॉडल्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के ये सब जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है। सिक्स्थ, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जब ओवरऑल सारी समस्याओं का पता चल जाता है, प्रॉब्लम्स पूरी कंट्री की पता चलती है, ये प्रॉब्लम्स हैं और इस तरीके से हम अगर आगे बढ़ेंगे, प्लान बनाएंगे तो कंट्री डेवलप करेगी, तो उसके लिए मेनली पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए मैक्रो इकोनॉमी बहुत यूजफुल है कि पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी में हमें जीडीपी को कैसे ग्रो करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इसको ग्रो कैसे करना है, क्या क्या टेक्निक अपनाई जाए, रूरल और अर्बन डेवलपमेंट कैसे किया जाए, गांव के इलाकों में और शहरी इलाकों का विकास कैसे किया जाए, वहां पे एम्प्लॉयमेंट कैसे लाया जाए, लोगों को शिक्षा कैसे दी जाए, हेल्थ की सुविधाएं कैसे दी जाए, रोड्स वहां के कैसे हों, सेफ्टी मेजर्स कौन से हों, किसानों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाए ताकि उनका विकास हो, ये सब पॉलिसीज के अंदर आता है। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर जो होते हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, ये तीन मेन सेक्टर्स हैं। इनमें जो प्रोडक्शन होता है उन प्रोडक्शन को ग्रोथ, उनकी ग्रोथ किस प्रकार से की जाए, कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिनसे कि इन तीनों सेक्टर में ग्रोथ हो, ये सारे जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आता है। तो हमने 6 पॉइंट आज आपके सिग्निफिकेंस पढ़े हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और एक्सप्लेन से पढ़ेंगे। थैंक यू।